हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स का डे 8 है और आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईसीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के बेसिक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए। इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स and use a common set of protocols for data transmission known as TCP या IP, मतलब Transmission Control Protocol या फिर Internet Protocol। मतलब इंटरनेट ग्लोबल कनेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि आपस में लिंक होते हैं डिवाइसेस से, जिसको हम राउटर्स या रूटर्स बोलते हैं, और ये कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, मतलब कॉमन गाइडलाइंस या प्रोसीजर्स होते हैं इसके लिए, जो जिनको हम बोलते हैं TCP या फिर IP। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स, जो भी आप साइट्स इंटरनेट पर सर्व करते हो वो WWW से स्टार्ट होती है। फिर आता है ब्राउजर। ब्राउजर मतलब सॉफ्टवेयर डेट अलाउज टू एक्सेस WWW, मतलब जैसे आपका क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये होते हैं आपके ब्राउजर्स। फिर हाइपर टेक्स्ट, इट इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स ई लिंक्स और हाइपर लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। मतलब आपके पास, आपने कभी टेक्स्ट देखा होगा, उसमें जो ब्लू कलर की लाइन दी होती है उसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आप दूसरे टेक्स्ट पे या दूसरे किसी फाइल्स पे जा सकते हो, तो वो होते हैं हाइपर टेक्स्ट। और वो जो लिंक होता है, वो जो ब्लू कलर का जो लिंक दिया होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इज अ रेफरेंस टू डेटा एंड यू कैन फॉलो इट बाय क्लिकिंग ऑन इट। मतलब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे किसी टेक्स्ट पे जा सकते हो। और हाइपर मीडिया क्या होता है? जैसे हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट के लिंक्स होते हैं, हाइपर मीडिया इट कंटेन्स लिंक्स टू मीडिया, मतलब इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोई भी टाइप के लिंक हो सकते हैं। HTML, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स यूज टू क्रिएट WWW डॉक्यूमेंट्स। फिर URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब एड्रेस होता है, जैसे कि ये आपका URL हुआ, HTTPS करके जो भी www.example.com फिल समथिंग दिया है, तो ये जो पूरा ये जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं URL, मतलब ये आपका वेब एड्रेस है। आप ये टाइप करोगे अपने गूगल सर्च पे तो आपका ये एड्रेस खुल जाएगा। इसमें ये जो आपका HTTPS है, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका डोमेन हो गया www.example.com, और ये जो समथिंग दिया हुआ है स्लैश के बाद, ये आपका पाथ हो गया HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको हम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों बोल सकते हैं। फिर मॉडम, इट इज अ कंबाइंड डिवाइस फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड वाइसी वर्सा। मतलब ये आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। फिर डोमेन नेम सिस्टम, DNS, इट इज द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस। मतलब ये आपका डोमेन नेम हो गया, ये जो www.example.com, www.google.com, www.thedynamicstudy.com, ये हो गया आपका डोमेन नेम सिस्टम। फिर इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इन सबके डिफरेंसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक वीडियोस देख लीजिए और इसके डिफरेंसेस को समझ लीजिए। इंट्रानेट मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विद इन एन एंटरप्राइज। मतलब इंटरनेट पब्लिक होता है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है। मतलब जैसे कोई भी ऑफिस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना जो नेटवर्क होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं, तो वो होता है इंट्रानेट। फिर एक्स्ट्रानेट, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज यूज टू क्रिएट स्पेशल एक्सेस टू सम पार्ट ऑफ अ बिजनेस इन्फॉर्मेशन और डेटा विद इंटेंडेड ग्रुप्स लाइक कस्टमर, सप्लायर्स, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। मतलब इंट्रानेट हो गया कि मतलब आप उसमें सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क है और सिर्फ उसी एंटरप्राइज के अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहता है, वो ही इन्फॉर्मेशन उनके लिए स्पेशल एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है। तो
तो वो एक्स्ट्रानेट के थ्रू करता है, मतलब जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो उनके साथ प्रोवाइड करना चाहता है वो एक्स्ट्रानेट के थ्रू करता है। मतलब जैसे अगर मेरा उस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, वो वही लोग कर सकते हैं जो उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मैसेज डेट मे कंटेन अटैचमेंट्स सेंड थ्रू अ नेटवर्क टू एन इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल। ईमेल हम सभी सेंड करते हैं, ईमेल में आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, उसमें आप अटैच कर सकते हो अपनी फाइल्स, अपने वीडियोज, अपने इमेजेस और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब आप चाहो तो किसी इंडिविजुअल पर्सन को या कंपनी को उसको भेज सकते हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ भेज सकते हो। फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाई रे टॉमलिंसन इन 1971। टू, ईमेल में ये जो टू पार्ट होता है इसमें प्राइमरी रेसिपिएंट्स होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट रेसिपिएंट्स हैं जिनको आप पहले भेजना चाहते हो वो होते हैं टू में। कार्बन कॉपी, मतलब जो आपने कार्बन कॉपी किसी को भेजी, जैसे मैंने किसी को अगर टू में कोई मैसेज भेजा और मैं कार्बन कॉपी में किसी और को भी वो बताना चाहती हूँ कि मैंने ये मैसेज भेज दिया है पर्टिकुलर इंसान को जिसको मैंने टू में भेजा है, तो मैं उनको कार्बन कॉपी में डालूंगी तो वो मैसेज उनके पास भी जाएगा। और कार्बन कॉपी ये भी देख सकता है कि टू में कौन है, टू भी ये देख सकता है कि कार्बन कॉपी किसको दी हुई है। लेकिन बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि बीसीसी वाला देख सकता है कि टू और सीसी में कौन है, लेकिन टू और सीसी वाले या बीसीसी में अगर दो लोग हैं, दो लोगों को मैंने बीसीसी में रखा है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, उनको नहीं पता कि बीसीसी और किसको भेजा हुआ है। तो बीसीसी ऐसा है जिसमें बीसीसी वाले को सब कुछ पता है लेकिन बाकी लोग उनको नहीं देख सकते। फिर ईमेल एड्रेस, मतलब वो पर्टिकुलर जीमेल एड्रेस या याहू का एड्रेस, मतलब जैसे कि कोई भी dynamicstudy@gmail.com है या कोई भी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, तो उसको हम ईमेल एड्रेस बोलते हैं। फिर SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP मतलब इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर्स है जो कि आपके ईमेल के दौरान यूज होते हैं। फिर फिशिंग क्या होती है? फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जिसमें कि जो प्राइवेट डेटा होता है आपका, वो कोई और थर्ड पार्टी उसको ले सकती है, मतलब वो ट्रस्टेड जैसे आपके साथ बिहेव करेगी, उसने आपको किसी ऐसे ईमेल से मेल भेजा या कोई ऐसे प्रोसेस से मेल भेजा जिससे आपको लगेगा कि वो ट्रस्टेड है, या जैसे आपको वो मेल्स आते हैं कि आपने इतने लाख रुपए जीत लिए या और कोई ऐसे मेल्स आ सकते हैं, तो वो आपको लगेगा और आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस थर्ड पार्टी तक पहुंच जाती है। फिर स्पैम मतलब अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, मतलब जो भी ईमेल्स आपको बल्क में भेजी जाती है जो आपके काम की नहीं होती है लेकिन बल्क में भेजी जाती है बहुत सारे यूजर्स को एक साथ, तो वो स्पैम फोल्डर में जाती है। सब्जेक्ट मतलब शॉर्ट समरी ऑफ इट्स कंटेंट्स, जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन भी लिखते हो तो आप उसमें एक सब्जेक्ट देते हो जिससे रीडर को पता चले कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पूरे लेटर में, ऐसी ईमेल में भी सब्जेक्ट का कॉलम होता है, उसमें आप ईमेल के बारे में एक शॉर्ट समरी भेजते हो। थ्रेड जैकिंग या थ्रेड वैकिंग, मतलब स्टीयरिंग ऑफ द ओरिजिनल टॉपिक यानी इन एन ईमेल थ्रेड, मतलब कोई थ्रेड आपकी ईमेल के चल रही है, जैसे आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया तो आपको उस कॉलेज से बहुत सारे मेल्स लगातार आ रहे हैं, बीच में किसी ने अगर उसका सब्जेक्ट सेम रख के वहां का बीच का जो भी मैटर है वो चेंज कर दिया, तो आपको तो लगेगा कि उसी कॉलेज ने मैसेज भेजा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, उसने थ्रेड जैक किया आपकी ईमेल को, तो वो होता है थ्रेड जैकिंग। फिर वॉर्म, इट इज अ प्रोग्राम डेट रेप्लीकेट्स इटसेल्फ एंड मूव्स थ्रू अ नेटवर्क ट्रैवलिंग बाय सेंडिंग न्यू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ वाया ईमेल, मतलब ये ईमेल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू अपनी बहुत सारी कॉपीज रेप्लीकेट करके भेजता है, जिससे क्या होगा, आपकी जो रैम होगी वो फुल हो जाएगी, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, तो वॉर्म आपकी मेमोरी को फुल करता है क्योंकि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज रेप्लीकेट करके भेजता है। फिर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप जानते ही होंगे जो हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, ऑडियो में भी हम ऑडियो कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो तीन लोगों के साथ एक साथ कर सकते हैं, तो ये होता है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगेन आपको इसके बारे में अगर अच्छे से जानना है तो आप बेसिक वीडियोस देख लीजिए,
आईसीटी एंड गवर्नेंस, आईसीटी एंड गवर्नेंस इसको हम ई गवर्नेंस भी बोलते हैं। गोल इज टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब गवर्नेंस में आईसीटी का यूज आजकल बहुत किया जा रहा है। ये प्रोवाइड करता है कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट के जो भी डेटाज होते हैं, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को जाननी चाहिए, गवर्नमेंट वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आईसीटी के थ्रू पब्लिश करती है पोर्टल्स पे, और जो पब्लिक होती है वो उसको देख सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है। और इसका दूसरा पार्ट है कि पब्लिक को डिजिटलाइज करना, ये सब कुछ ई गवर्नेंस में आएगा। फिर आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। तो ये भी अगेन अभी रिसेंटली शुरू किया है नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। फिर सेंटर्ड ऑन 3 key areas, ये जो डिजिटल इंडिया है ये 3 key areas पे सेंटर्ड है मेनली। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, ताकि हर एक सिटीजन के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास इंटरनेट एक्सेस हो। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, अब जो भी गवर्नेंस है, जो भी सर्विसेज है, जो भी चीजें ऑनलाइन हो सकती है वो सबको ऑनलाइन करना। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। फिर आता है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में रिसेंटली बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सबसे बड़ा इनिशिएटिव MOOCs के अंदर लिया गया है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मतलब स्वयं MOOCs मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये कोर्सेज तो पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले से चल रहे हैं, मतलब कुछ समय पहले से चल रहे हैं, लेकिन स्वयं अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडिया में। और ये इसका फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और इसके बारे में अभी आपको अगर और जाना है तो आप बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। स्वयं मेनली बहुत सारे इसमें कोर्सेज होते हैं जो कि आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। उसमें अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आपको एक नॉमिनल फीस पे करनी होती है, और आप ऐसे एजुकेशन ले सकते हो ऑनलाइन। फिर आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा मतलब द 32 एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स। मतलब ये 24/7 डीटीएच चैनल्स है, 32 चैनल्स है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर आपकी हायर एजुकेशन तक के बहुत सारे चैनल्स आते हैं। फिर आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर ई सोर्स सिंधु, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट, INDEST, AICTE कंसोर्टियम, इन तीनों को एक साथ मर्ज करके ई सोर्स सिंधु बनाया गया है। फिर आता है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स मतलब कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, या फिर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप इन वर्चुअल लैब्स में उन एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हो, सीख सकते हो। फिर आता है ई यंत्रा, मतलब इसमें रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए ये ई यंत्रा बनाया गया है। फिर कैंपस कनेक्ट। कैंपस कनेक्ट मतलब कि इसमें ये है कि जो भी कैंपसेस हैं, बहुत सारे इसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, जिसमें वाईफाई एनेबल्ड किया जाएगा उन कैंपसेस को, और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको उसी साइट्स पे एक्सेस दिया जाएगा कैंपस कनेक्ट से, जो कि एजुकेशनली उनसे रिलेटेड होगी या एकेडमिक साइट्स होंगी। फिर टॉक टू अ टीचर। टॉक टू अ टीचर में आप टीचर से जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। ये मेनली ये सब IITs ने ही लागू किया है। फिर आता है आस्क अ क्वेश्चन, ये भी सेम टॉक टू अ टीचर जैसे, ये इसमें भी आप अपने क्वेश्चंस IIT बॉम्बे के प्रोफेसर से पूछ सकते हो। फिर आता है ई आचार्य, ये एक नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल है, या फिर हम इसको इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी बोल सकते हैं। ये ऑफिशियल रिपोजिटरी है, मतलब NMEICT के थ्रू जो भी ई कंटेंट्स बनाए जाएंगे उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है ई कल्पा, ये डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। फिर आता है द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, मतलब FOSSEE। फिर आता है ई विद्वान, मतलब जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे स्टोर की जाती है, ताकि अगर हमारी गवर्नमेंट को या किसी को भी जरूरत पड़े उनसे बात करने की तो वो उनसे कर सकते हैं। फिर आता है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी गवर्नमेंट के डेटाज होते हैं, उनके जो भी डेटाबेस होता है,
वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इसको बादल भी बोलते हैं। उन्होंने एक क्लाउड बनाया है कि यहाँ पे जो भी पहले जो डेटाज रजिस्टर्स में स्टोर होते थे, अब वो सारे जो भी डेटाज होंगे उनको इस क्लाउड के थ्रू यहाँ पे स्टोर किया जाता है। फिर आता है साक्षात। साक्षात मतलब कि ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो भी करना चाहते हैं लोग, ये उनके लिए है कि इसका मेन जो भी एम है वो ये है कि मतलब सबको सक्षम करना, जो भी लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना चाहते हैं चाहे वो कोई भी एज के हो, वो इसके थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। ऐसी है ज्ञान। ये एक ऑडियो सर्विस है, मतलब इसमें ऑडियो काउंसलिंग होती है। जो भी टीचर्स होते हैं उनके जो ऑडियो लेक्चर्स होते हैं वो स्टूडेंट सुन सकते हैं, लाइव डिस्कशन सुन सकते हैं, और जो भी उनको गाइडेंस चाहिए, जो भी वो इंट्रैक्शन करना चाहते हैं टीचर्स के साथ, वो टेलीफोन या फिर चैट मोड के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये जायंट पोर्टल, ये भी एक पोर्टल है जिसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं या जो भी टैलेंट पूल है, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं, जो भी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पे शेयर कर सकते हैं। ये जो GIAN जायन है, ये अभी बहुत सारे कोर्सेज भी करवा रहा है ऑफलाइन भी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फील्ड्स में ये कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। फिर आता है NPTEL। इसमें भी बहुत सारे एक्सेस वाले कोर्सेज किए जाते हैं, जो कि फ्री एक्सेस भी हो सकते हैं, इसमें पेड कोर्सेज भी होते हैं, ये भी किया जा रहा है। फिर आता है शोट गंगा, मतलब अब कंपलसरी हो गया है कि जो भी थीसिस सबमिट करनी होगी, जो भी डिजर्टेशन सबमिट होंगे MPhil PhD के, वो सारे यहाँ पर स्टोर होंगे और उसको कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। फिर आता है शोट गंगोत्री। इसमें जो भी सिनॉप्सिस है, जो भी रिसर्च प्रपोजल्स है, वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। फिर आता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसका एम है हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करना, नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। ऑफकोर्स और भी एक्सटेंशंस है जिसको आप बेसिक वीडियोस में देख सकते हो, या फिर आप अगर इनकी आपको नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे डिजिटल स्टोर पे जाकर विजिट कर सकते हो और वहाँ से नोट्स ले सकते हो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस थे उसको मैंने इंक्लूड किया है, बहुत सारे मिस भी हो गए पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस, जो भी ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं वो होता है .CDA, मतलब ये CD ऑडियो ट्रैक फाइल के लिए होता है, .MP3, MP3 ऑडियो फाइल के लिए होता है, ऐसे ही WAV फाइल के लिए होता है। इमेज फाइल फॉर्मेट्स होते हैं इसके, JPEG और .JPG फाइल होती है, ये JPEG इमेज के लिए होती है, .BMP होता है, बिटमैप इमेज के लिए होता है, .GIF होता है, ये आपकी GIF इमेज के लिए होता है, .PNG होता है। फिर वीडियो फाइल फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे कि .3GP है, 3GPP मीडिया फाइल के लिए होता है, फिर .AVI है जो AVI फाइल के लिए होता है, .RM है जो कि रियल मीडिया फाइल के लिए होता है, .VOB है जो कि DVD वीडियो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। फिर जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो वर्ड के टेक्स्ट होते हैं, जो कि आपके प्रेजेंटेशन के जो भी फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, स्प्रेडशीट के फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, वो ये सब होते हैं, जैसे कि .DOC होता है, .DOCX होता है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के लिए होता है, .ODT होता है, ये आपकी ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है, .RTF होता है, ये आपके रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए होता है, .ODP होता है, ये आपकी ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल के लिए होता है, PPS होता है, ये आपकी पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए होता है, फिर PPT होता है, .PPT ये आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, .PPTX होता है पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन के लिए होता है, .XLS होता है ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर इंटरनेट रिलेटेड भी फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि .ASP होता है, .ASPX होता है, ये आपका एक्टिव सर्वर पेज फाइल के लिए होता है, .JSP होता है, ये आपका जावा सर्वर पेज फाइल के लिए होता है, .XHTML होता है, ये आपके XHTML फाइल के लिए होता है। फिर प्रोग्रामिंग के भी फाइल एक्सटेंशंस अलग से होते हैं, जैसे कि .C है, C और C++ सोर्स कोड फाइल के लिए होता है, .Java है, ये जावा सोर्स कोड फाइल के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, आपको जितने याद हो सके आप उतना कर ले, उतना ही बेटर है। फिर सिस्टम रिलेटेड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि बैकअप फाइल के लिए .BA के होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए .CFG होता है, डंप फाइल के लिए .DMP होता है, ड्राइवर फाइल के लिए होता है .DRV होता है, .TMP होता है टेम्पोरेरी फाइल के लिए। फिर ये जनरल एब्रीवेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत
कम ही यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपके अगर आप चाहो तो इसको डिजिटल स्टोर से भी देख सकते हो, आप बेसिक वीडियोस में देख सकते हो और वैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ये जनरल एब्रिविएशंस कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्पानेट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बेसिक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट है, बाइनरी डिजिट, BMP है, बिटमैप, कोबॉल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर आपका CD है, CRT है, CDR है, ये आपकी कंपैक्ट डिस्क के लिए होता है। कंपैक्ट डिस्क के लिए आपके इतने टाइप के होते हैं, ये रिकॉर्डेबल होती है, रीड ओनली मेमोरी के लिए CDROM होता है, CD-ROM, फिर CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल के लिए, CDR/W है ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी के लिए होता है, फिर DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DNS है डोमेन नेम सिस्टम, डॉट पर इंच DPI होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, DTP, EPROM मतलब इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एग्जीक्यूटेबल मतलब EXE, फॉर्ट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 3G है थर्ड जनरेशन, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर उसमें S भी लगा है तो उसका मतलब है सिक्योर, IMAP है मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर JPEG है मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओरेकल, ओक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर PROM है मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, URL है मतलब यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, WAN है वर्चुअल एरिया नेटवर्क, फिर वाईफाई है मतलब वायरलेस फिडेलिटी, WLAN है मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WAN है वाइड एरिया नेटवर्क, XHTML है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, Z मतलब जीटा बाइट, ये सबसे जो लार्जेस्ट मेमोरी होती है, आप नॉर्मल TB तक पढ़ते हो लेकिन जीटा बाइट होती है वो सबसे बड़ी मेमोरी होती है। फिर आज का वीडियो आपका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू सो मच।